1988 बॉर्न नीरज दिल्ली के बवाना का रहने वाला है। उसके पिता दिल्ली में डीटीसी बस में कंडक्टर की जॉब करते हैं। इसने फर्स्ट क्राइम तब किया था जब ये बालिक भी नहीं था। देखा जाए तो नीरज को फिरौती का किंग कहा जाता था। इसके क्राइम रिकॉर्ड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तकरीबन 100 से ज्यादा केसेस में ये वांटेड था। नीरज बवाना गैंग का नेटवर्क सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में वर्क करता था। उसके गैंग में 86 लोग थे जो अलग अलग लोकेशन से बिलोंग करते थे। सुपारी लेकर मर्डर करना, जबरन वसूली, सट्टा, जुए जैसे कई चीजों में नीरज की तूती बोलती थी। इनफैक्ट अमित भूरा नाम के एक गैंगस्टर को तो नीरज पुलिस कस्टडी से ही भगा कर ले गया था। साथ ही उसने पुलिस की AK-47 राइफल भी लूट ली थी। हालांकि बाद में अमित फिर से पकड़ा गया। पुलिस के माने तो नीरज बवाना ने अपने दुश्मन नवीन बाली का मर्डर का प्लान किया था, वो भी पुलिस कस्टडी में। इसके लिए उसने अपने 10 आदमी रोहिणी कोर्ट भेजे थे, लेकिन पुलिस एनकाउंटर की वजह से ये मिशन कामयाब नहीं हो पाया। साल 2013 जब जमानत पर रिहा होने के बाद से नीरज फरार हो गया। बाहर आते ही उसने फिर से फिरौती का काम शुरू कर दिया। साल 2013 में दिल्ली के MLA जसवंत राणा से उसने 50 लाख की फिरौती मांगी थी। उसके खौफ का आलम ये था कि दिल्ली के कई विधायकों ने CM से अपने प्रोटेक्शन की मांग की थी। कहा जाता है कि नीरज ने अपने मामा और दिल्ली के पूर्व विधायक रामवीर के इलेक्शन कैंपेन में भी उनकी मदद की थी। अप्रैल 2015 में उसे फिर से अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने माना कि नीरज को पकड़ना उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। इसके लिए उन्हें कई शहरों की पुलिस की मदद लेनी पड़ी। लेटेस्ट मोबाइल फोन, महंगी गाड़ियाँ और लग्जरी एसेसरीज का शौकीन नीरज उस समय पकड़ा गया जब वो अपने घर वालों से मिलने के लिए बवाना वाले घर पर आया हुआ था। अरेस्ट होने तक नीरज पर 1 लाख रुपए का इनाम था। नीरज अभी भी तिहाड़ जेल में है और खबरों के मुताबिक वहाँ भी उसने अपना एक गैंग बना रखा है जो कि तिहाड़ का सबसे बड़ा गैंग है। तो ये तो थी स्टोरी दिल्ली के मशहूर गैंगस्टर नीरज बवाना की। कैसा लगा आपको वीडियो हमें जरूर बताइए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।